मेरे साथी राजधरना से चल गए है भक्त मनोज चादर जी को जोरदार ताली के साथ तमाम साथियों से आग्रह होगा कि कृपया मंच को खाली करें, सभी से विनम्र आग्रह होगा हाथ जोड़ करके कि मंच को खाली करें, और बड़े भाई मनोज चादर जी से आग्रह होगा कि आप आए और अपनी वाणी को हमारे बीच अपनी यशस्वी शब्दों में रखें। बड़े भाई मनोज चादर जी बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हाँ, आप लोगों से आग्रह होगा कि कृपया आप लोग स्टेज को खाली कर देंगे क्योंकि अपना स्टेज है। अगर यहाँ से हम मीडिया बंधु लोग भी सामने आइएगा तब ना हमें फोटो खींचिएगा, इसलिए अरे बारिश खत्म हो गया। हाँ, सभी आप लोग मीडिया बंधु मेरे सामने आइएगा तब ना मजा आएगा, पूरा आपका भर कर पे अरे नहीं भीगिएगा तब। जेपी के एस एस का रैली है यहाँ, पानी बंद हो जाएगा, आप आइए ना। झारखंड के जनता के साथ साथ भगवानों हमारे साथ में है, इसलिए आप लोग जो है तमाम मीडिया के बंधु अरे आप ही लोग के बदौलत हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। कहीं बोला जाता है कि जंगल में मोर के देखा, तो मीडिया बंधु लोग आप इधर आ जाइएगा और यहाँ पर जितने भी माताएं बहने जो भी माताएं बहने आई हुई हैं और जे बी के एस के जो नौजवान और सब भाई बहन आए हैं, तमाम लोगों को मनोज जादव हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हम लोग खाली बोलते नहीं हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोग खाली बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मनोज यादव हो, जयराम महतो हो, देवेंद्र महतो हो, या तो जो भी हमारे संजय मेहता जी हैं और आर रतन जी हैं और पुलिस वाला भी आप सोच लीजिए जितना उछल रहा है उछल लीजिए, 2024 में हमार पीछे जब जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेगा आप लोगों के जो हम लोगों के जो 2024 में मुख्यमंत्री जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो जयराम महतो जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। जयराम महतो जिंदाबाद। तो हम लोग अभी जस्ट हम लोगों के बीच में जयराम महतो जिंदाबाद, आपके बीच जयराम महतो जिंदाबाद, आपके बीच में बैठे आगमन आज के सभा में हो चुका है। आप लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।
हमारे क्रांतिकारी साथी जयराम मातो का जोरदार अब सभी से आग्रह होगा कि स्टेज टूट ना जाए, इसलिए जयराम जब स्टेज खाली कर दो और आप लोग भी नीचे बैठिए। माटी का बेटा है, हम लोग माटी का साथ पीछे हो जा रहे हैं, पीछे हो जाए। जयराम जब नीचे जा रहे हैं, आप लोग भी नीचे जाइए। अरे जब आपके मुखिया नीचे जा रहे हैं तो आप लोग जहां रहिएगा, यहाँ आप प्लीज आप लोग टूट जाएगा। जयराम महतो का आगमन आज के सभा में हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं उनके प्रशंसक उसको घेरे हुए हैं। हम लोग रिक्वेस्ट और दादा के बैठक जगह देंगे आगे, पानी से रिक्वेस्ट हो दादा के बैठक जगह दे, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, और जयराम का बैठ रहे हैं आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए आप लोग भी बैठिए। कहीं बैठ जाओ दादा, आगे वाला बैठ तो सारे क्या करते हैं। देखिए हमारा अगुआ साथी जब नीचे मिट्टी में बैठे हुए हैं, मिट्टी के साथ रिश्ते जो है, आप भी अनुशासन का परिचय दें, जहाँ है वहीं से बैठे। हम एक संकेत दे के किसी सदी का आंदोलन कर रही है, हम एक मैसेज दे के हमें अनुशासित कर सकता है, हम एक यहाँ से संदेश भेजे तो रांची तक जाए कि जहाँ से भी केसेस वाले लोग आते हैं वहाँ अनुशासन अपने आप बन जाता है। एक आप मैसेज दीजिए यहाँ से, एक अपना ऐसा शक्ति का प्रदर्शन करिए अनुशासन के साथ कि लोगों को लगे कि डुबरी के धरती से एक नए उड़ान का आगाज हो रहा है, एक नए झारखंड जो प्रारंभ हो रही है। सभी लोग आगे होगा कि थोड़ा पीछे हटे, महिलाओं को और बहनों को थोड़ा जगह दे, थोड़ा थोड़ा पीछे हटे, नौजवान साथी बोले काका लोग दादा होगा कि थोड़ा पीछे हटिए, जगह दीजिए। हमारे अगुआ क्रांतिकारी साथी जब नीचे बैठे हुए हैं तो तमाम लोगों को लग रहा होगा कि आप भी जहाँ जगह मिलता है वहाँ से बैठ कर सुनने का काम करेंगे। आपका आपका से भी आग्रह होगा कि धीरे धीरे पीछे सरकते हुए जगह पर आकर के बैठ जाइए, जगह पर आकर के बैठिए, कार्यक्रम दो से चलेगा, कार्यक्रम दो से तीन घंटा चलेगा, धैर्य बनाए रखिए। आप लोग कृपया बैठ जाइएगा तो अच्छा लगेगा, करके तब सुन पाइएगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अरे इधर लाओ, इधर इधर इधर, अरे लाओ यार, लाओ यार, हेलो, अरे बहुत सुनिए दादा, बहुत लंबा चलेगा, आप लोग बैठ जाइए, दादा आ चुके हैं, कुछ वक्ता है, वक्ता दो तीन वक्ता के बाद दादा भाषण देंगे, आप लोग सुन के जाइएगा, बैठ जाइए प्लीज, बहुत लंबा टाइम चलेगा, पानी भी छूट गया है, बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, बैठ आप लोग बैठ जाइए दादा, अरे बैठ जाइए ना, हमारे अगुआ साथी सब जब बैठे जमीन पर तो आप लोग जमीन पर बैठ जाइए ना, अरे टाइगर का जमीन पर बैठे हुए तो आप लोग भी बैठ जाइए ना जमीन में, दादा बैठ जाइए ना प्लीज, काकी साहब, काकी साहब, दीदी साहब, नोनी साहब, सब बैठ जाना, आप जगह जगह बना के बैठ जाना, बैठ जाना मीडिया वाले, अस्टेज वाले सारे भैया सब, हमारे दादा नीचे बैठे हुए, आप लोग भी नीचे आ जाइए दादा, अस्टेज सब, हमारे जितने भी साथी, हमारे एक भी लोग नहीं रहेंगे दादा, लोग नीचे चले जाइए। Thank you.
किया तो बाइक से आए हैं तो नीचे लाने को बोला था भाई तुम लोगों को। आप लोग बैठ जाइएगा, दादा का भाषण होगा। दो तीन वक्ता बचे हुए हैं, वक्ता के होने के बाद दादा का वक्ता तब तक। अरे मीडिया वाले भैया, अरे फोटो खिंचाने वाले बैठ जाइए ना आगे से, हमारे समिति के साथी लोग। अरे क्या कर रहे आप लोग, अरे बैठाइए सबको, समिति के मेरे साथी लोग, इन लोगों को आगे से बैठाइए। और मीडिया वाले बंधु राइट और लेफ्ट में आ जाएंगे, मीडिया वाले बंधु राइट और लेफ्ट में आ जाएंगे, थोड़ा खाली कर देंगे। मीडिया वाले बंधु राइट लेफ्ट में आ जाएंगे और आगे वाले साथी सब बैठ जाएंगे। चाची सब, काकी सब बैठ जा, हमारे समिति के लोग, हमारे समिति के लोग ध्यान दें, हमारे समिति लोग स्टेज में नहीं रहेंगे। आप नीचे जाइए और जितने भी साथी हैं सब नीचे जाइए, जितने भी साथी नीचे जाइएगा, जितने भी नीचे हमारे साथी लोग हैं। मीडिया वाले साथी इधर उधर हो जाएगा, मीडिया वाले साथी राइट लेफ्ट हो जाइएगा। चाची लोग बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, राइट लोग बैठ जाइए। अरे बाइक तब का सुनिएगा, सब बैठ जाइएगा, चाची लोग काकी लोग बैठ जाइएगा। आज के जनसभा में एक तरफ जहां हेमंत सोरेन का जनसभा हो रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं टाइगर जयराम के सभा में कोई कमी नहीं है। यहां भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। हेलो, हमारे टाइगर का जमीन पर बैठे हुए हैं, आप लोग सभी गुजारिश जमीन पर बैठ जाएंगे। ताकि लोग अपना जगह बना के बैठ लेंगे, चाची लोग अपना के बैठ लेंगे, हमारे दादा जमीन पर बैठे हुए आप लोग। हेलो, हमारे साथी भी स्टेज में नहीं रहेंगे, बोल रहे खाली खाली। हेलो हेलो, खाली कीजिए ना भैया, अरे अपना तो कम से कम। हेलो, स्टेज खाली कर दीजिए ना दादा लोग, अरे हमारे लोग कैसे होगा, स्टेज खाली कर दीजिए ना, स्टेज खाली कीजिए ना, आप लोगों का देखा देखी सब हो रहा। हेलो हेलो, आप मनोज दा अपना स्पीच प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोती जी, और आप तमाम लोगों को हम यही कहने के लिए आए हैं। हेलो, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का, एक तरफ मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा है और दूसरी तरफ जेबी के एसएस का हो रहा है। आप लोग देख करके तमाम मीडिया, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हम लोग अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री से ऊपर है। वो सुबह से ही पैसा कौड़ी दुनियादारी सब लगा दिया और हम लोग देखिए पहाड़ की तराई में हम लोग उससे ज्यादा भीड़ करके दिखा दिए, ये हमारी शख्सियत है। और ये पुलिस वाला हमारा रोक रहा था, पर कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हम बोले बम फोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग तख्ता पलट करने जा रहे हैं, तख्ता पलट। अब चोर राज नहीं चलता, और कहानी सुन ले कि 2024 में हमरे बॉडी गार्ड बन भी हमरे बॉडी गार्ड अपनी खाली बोलिए ना, जितना यहाँ 12 टीचर आए हथी ओकरा तो पूछ ले, अपनी मार खेलिए, जेल गलिए, खून बहलिए, अगर यदि जेपीएससी की लड़ाई है तो ओकर वास्ते लड़लिए। हम और जयराम का जो है सब विधानसभा के घेराव के दिन भी हम लोगों पर लाठी चलाया, वो लोग हम लोग खाली
बोलते नहीं है, हम लोग करके दिखाते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार बनी, मैं बता दे रहा हूँ 1935 का खतियान दिया गया, बाहरी का नौकरी यहाँ से बोरिया पिस्ता भी लेके भागेगा। हमारा सिर्फ झारखंड जो है, हमारा झारखंडियों का है। हम बोल रहे हैं बाहरी लोगों से मेरा दुश्मनी नहीं है, मेहमान हो मेहमान के जैसा रहो, मेहमान हो मेहमान के जैसा रहो, ना धकेल के हम लोग वही सुता देंगे। आप हम लोग बात बता दिए सारे लोग जो है, सो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग पहुंच रहे, हम लोग आंदोलन किए, मुख्यमंत्री घेरा किए, और ओकर बाद में क्या करते विधानसभा घेरा किए और बंदी किए, और बंदी बंदी करते करते हम लोग हो गए परेशान। तो हम लोग बोले कि 2024 में बंदी नहीं बस बंदी करेंगे, और हम लोग इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। और जो 24 हम लोग देख रहे कि 23 साल में जो है सभी पार्टी मुर्दा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया, और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ के रख दिया। इसलिए 2024 में हमारे अपने झारखंड के झारखंडियों के लाल का अपना माटी का जो है नेता बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा। और आप लोगों को हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, अरे हम लोग सब पढ़ल लिखल हैं, हमारा नेता खेपा से नहीं चलता है, हमारा नेता जो है सब पढ़ लिख करके। बाहरी लोग जो कितना यहाँ पर सेक्रेटरी बना है, अधिकारी बना है, हम लोगों का क्या करता है कि अनपढ़ नेता को जो है सो हम लोगों को प्रोजेक्ट कर देता है, अनपढ़ वहां पढ़ने नहीं जानता है, तकर बाद जो 500 कानून बना देता है। हम लोग जो है यहाँ पर सरकार जो चल रही है अनुकंपा पर चल रही है, अनुकंपा पर देख रहे होंगे, अनुकंपा पर आप लोगों को देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो अनुकंपा पर आए हैं शिबू सोरेन जी के कारण। यहाँ अनूप सिंह अनुकंपा पर, हफीजुल अंसारी अनुकंपा पर, अभी जो मंत्री लिए अनुकंपा पर, और आप लोग जितने होंगे कि आशू के चौधरी जी वो भी अनुकंपा पर, सारे लोग अनुकंपा पर, शिल्पा नेहा तिर्की बंधु तिर्की की बेटी। तो आप बताइए कि खाली रानी का बेटा राजा बनेगा, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। 2024 में कानी का बेटा राजा बनेगा, ये हम लोगों को संकल्प करके जाना है। सब जो है पैसा छिटता है, पैसा दिखाता है। अरे तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि 1500 में कुछ नहीं बिगड़ता है, 500 रुपया अगर कीजिएगा, अगर वोट लेने के समय 500 देखिएगा तो 5 साल के लिए 100 रुपया पड़ेगा, अगर महीना में साल में 100 रुपया 5 साल के लिए अपने आप को गिरवी में रख दीजिएगा। अगर तू 1000 दे देगा तो तेरे पास में साल में जो है 1 रुपया पड़ेगा, यदि प्रतिदिन करिएगा, और 1 रुपया भिखारियों को नहीं देता है। इसलिए हम लोगों को दारू और महुआ में नहीं बिकना है, 2024 में अपने अधिकार को समझना है। और यहाँ से जैसा पीछे से सिखा रहे हैं, आगे वाले बैठ जाइएगा तब तो पीछे वाले देख पाएंगे, बैठ जाइए। आप लोगों का सम्मान करते हैं, आप देखिए यहाँ पर बैठे हैं ना, आप लोगों को, अरे बाबा आप नहीं बैठिएगा तो हम लोग कुर्सियों पर कैसे बैठेंगे। अगर आप लोग जमीन पर बैठिएगा तो जमींदार कहलाइएगा, और कुर्सी पर बैठेगा वो चौकीदार कहलाएगा, और जो जमीन पर बैठेगा वही इस जमीन का झारखंडी का माई का लाल है। मैं तमाम लोग को, चूंकि आप लोग जो है सो जानते हैं कि हम लोग पीछे से हल्ला बैठे, आप लोग
बैठा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बात है कि आप लोग भले नहीं बैठिएगा, लेकिन 2024 में हम लोगों को विधानसभा में बैठना है। इसलिए आप तमाम लोगों को हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि समय अभी कम है, अभी फिर हमारे जयराम दा का भी भाषण है और अब बहुत सारा चीज हम लोगों को कहना है। क्योंकि यहाँ से कमेटी की तरफ से बोला जा रहा है कि जनाब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जरूर होगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करना है। आप तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आज जो है जितना भी शिक्षक की बहाली है, जेपीएससी में सीडीएल की बहाली है, जो भी बहाली है, खाली फॉर्म भराया जाता है, परीक्षा नहीं लिया जाता है। सब बच्चा बुढ़ा गया, शादी नहीं हो रहा है, न और कुछ हो रहा है। अगर यदि हमारी सरकार आएगी तो न लाठी खाना पड़ेगा, न डंडा खाना पड़ेगा, सीधा नियुक्ति होगा तो सीधा नियुक्ति होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप तमाम लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही कि बहुत सारे वक्ता यहाँ पर है। हम लोग फिर मिलेंगे 2024 में। आप लोग कितना लोग वोट दीजिएगा? ए भाई, दोनों हाथ उठा के कहाँ करो है, दोनों हाथ उठा के मैंने क्रिया खाप करो है, इन्हें से दोनों हाथ उठो सबको। आगे करेंगे कि जो मंच पे है साथी नीचे चले जाए, और इसी के साथ इस आंदोलन की एक पहचान बन चुके हमारे क्षेत्र के युवा क्रांतिकारी साथी मोतीलाल माथुर जी से आग्रह करेंगे कि वे मंच पे हैं और अपनी बातों को रखें। मोतीलाल माथुर जी झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, वीर सरमुंडे अमर रहे, वीर प्यारे अमर रहे, चाहूंगा कि मोतीलाल माथुर जी अपनी बातों को रखें। धन्यवाद, जोहार सबको, मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत दो लाइन से करेंगे। हम अपनी बातों की दो बात आपके पास रखेंगे कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। यहाँ साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम 1932 का खतियान का। आखिर 1932 खतियान है क्या? देखिए, झारखंड में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद हमारे झारखंड लोगों ने बहुत विद्रोह किया। सबसे पहले 1767 का विद्रोह, जिसको कहा जाता है ठाल विद्रोह। उसके बाद 1973 का विद्रोह, जिसको बोलता है चुहार विद्रोह। उसके बाद आता है तिलका मांझी का विद्रोह 1783। उसके बाद अंतिम जो विद्रोह हुआ 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह। जब इस तरह से हमने 150 विद्रोह झारखंड के धरती में कर दिए, तो वहाँ की जो जनता थी, एक मिनट गाड़ी रोक दीजिएगा, एक मिनट के बाद घुसाइएगा, उनको बोलिए एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुक लेंगे। तो जब यह विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कमेटी बैठाई। कमेटी बैठाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आखिर झारखंड एक ऐसा लैंड क्यों है जहां पर इतना सारे विद्रोह हो रहा है। तो उस कमेटी ने उत्तर दिया कि झारखंड के जो लोग हैं वो अपने माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनके जमीन के लिए, उनके जंगल के रक्षा के लिए अगर एक अलग कानून बना दिया जाए जमीन की रक्षा करने के लिए, तो यह आंदोलन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तब अंग्रेजों ने
सबसे पहले जो सर्वे सेटलमेंट शुरुआत की थी वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अमीनिया, जो 1902 में शुरू हुआ, खत्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अमीनिया। इस आधार पर हम लोग झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी है कौन। दूसरा सर्वे है 1932 का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो है झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, कुछ हिस्सा कोल्हान का है जहां छूटा। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 1908 को भी लागू कीजिए, 1932 को भी लागू कीजिए, 1954 को भी लागू कीजिए और 1964 को लागू कीजिए और 1964 तक जाइए और 1964 के बाद जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और उस आधार पर परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा उसके बाद नियोजन बनाइए। नियोजन किस तरह बनेगा इसको ध्यान में रखिए। कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति, नहीं नहीं, ये प्रोपोगंडा है, षड्यंत्र है। हम खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग नहीं कर रहे, हम खतियान से झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा नियोजन में जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जिसमें सी और डी की जो नौकरियां हैं उसमें 90-95% हमारे लोगों के लिए रिजर्व किया जाए, जैसे अन्य स्टेट में अन्य राज्यों ने नियम बनाया है। उसके बाद ऑफिसर का जो पद है उसमें 75% झारखंडियों के लिए रिजर्व किया जाए, ये संभव भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चल सकता। देखिए भैया, बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, वहाँ भी सर्वे 1932 में हुआ था और वहाँ ये चल रहा है लेकिन झारखंड में नहीं चल, सोचने वाला विषय। उसके बाद जब ये सर्वे सेटलमेंट हुआ था उस समय हम लोग जो थे बिहार में, यहाँ का एक निवासी था दीपक कुमार ने कह दिया कि हमें उसका सर्वे सेटलमेंट भेजा जिस आधार पर स्थानीय निर्गत किया हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो स्थानीय निर्गत किया गया है ये 1932 से खतियान के आधार पर निर्गत किया गया, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। मतलब जब झारखंड बिहार में शामिल था तो 1932 चलता था, लेकिन झारखंड जैसा ही अलग हुआ 1932 नहीं चलता। क्या कारण है भाई? हम तो उसी का मांग कर रहे हैं कि हमें उसको परिभाषित कीजिए और उस आधार पर नियोजित कर रहे हैं। तो ये हो गया खतियान और जिस आधार पर हमें परिभाषित हो गया स्थानीय और दूसरा नियोजन। उसके बाद हम कहते हैं कि नियोजन जब बन जाएगी उस आधार पर हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें मान्यता दिया जाए, उसका बैरिकेडिंग लगाया जाए, उसका घोरना घोरा जाए, जैसे अन्य राज्यों ने घोरना है। अगर आपको बंगाल में नौकरी लेना है तो बंगाली जानना पड़ेगा, अगर आपको महाराष्ट्र में नौकरी लेना है तो आपको मराठी जानना पड़ेगा, अगर आपको गुजरात में नौकरी लेना है तो गुजराती जानना पड़ेगा। अब झारखंड में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारी भाषाएं हैं उन भाषाओं के आधार पर बैरिकेडिंग लगे, आनी जो एयरपोर्ट ठाकुर माली नागपुरी पंचवर्गनिया जैसे भाषा जानता है वही यहाँ नौकरी ले सकता है, ऐसा बैरिकेडिंग लगेगा तो खोरखा कौन जानता है, यहाँ के लोग जानते हैं तो नौकरी कौन लेगा, वो यहाँ के लोग लेंगे। अरे अगर उन भारी भाषाओं को यहाँ मान्यता दिया जाएगा तो नौकरी कौन लेंगे, बाहर के लोग लेंगे। तो फिर हम झारखंड अलग करके क्या किए, क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। अब कोई लोग कहता है कि अगर खतियान से हम परिभाषित करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो सारा सीट 100% रिजर्व होगा। नहीं भैया, 100% रिजर्व नहीं होगा। अभी तेलंगाना हमारे एक स्टेट बना हुआ 2 जून 2014 को बना, उन्होंने एक कानून बनाया MBBS की जितने सीटें हैं उन्होंने 100% वहाँ के निवासियों के लिए रिजर्व किया। तो उन्होंने जब उसका चुनौती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने दलील दिया कि हमारा राज्य नया नया बना है, अगर हम 100% सीटें रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर जिससे अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के लोग ही यहाँ शासन करेंगे, तो फिर इस राज्य को अलग करके हमारा क्या लाभ हुआ। उसी तरह से झारखंड भी हमारा नया राज्य बना, सबसे पहले हमारी सीटें यहाँ हमारे लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हम चिपकेंगे, हम धड़केंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिपकेंगे, हम धड़केंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। समय के अभाव रहने के कारण हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।
झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, प्यार प्यारे अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। साथियों हम मंच पर चले तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि मंच थोड़ा चरमरा रहा है, आप लोग कृपया नीचे चले जाए और मैं उस शख्स को आवाज देना चाहता हूँ जिनको आप यहाँ दूर दराज इलाकों से सुन रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा जोहार झारखंड, जय झारखंड। और उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा जे बी के सर झारखंडी भाषा खतियान समिति द्वारा आयोजित महाजुटान में लगभग हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं। साथी अपने अपने जगहों पर थोड़ा सा धैर्य पूर्वक अपने, हम समझ रहे हैं आपकी उत्सुकता को, लेकिन थोड़ा धैर्य पूर्वक अपने उत्सुकता को संयम के साथ बनाए रखें और थोड़ा जगह लेकर के माताओं को दिक्कत ना हो, बहनों को दिक्कत ना हो, बुजुर्गों को दिक्कत ना हो, थोड़ा फैल कर बैठ जाओ। बार बार जयराम जी यहाँ तक आग्रह पहुँचा रहे हैं कि लोगों से संयमित होने का आग्रह कीजिए। और मैं आवाज देना चाहूँगा झारखंड के युवा दिलों की धड़कन, हमारे भावी मुख्यमंत्री झारखंडी नव निर्माण के आंदोलन के पहचान बन चुके, मैं आवाज देना चाहूँगा उस शख्स को जिसको आप सुनने के लिए आए हैं। जी हाँ, वो कौन है आप बताएंगे? जोरदार तालियों के साथ मैं क्रांतिकारी साथी टाइगर जयराम महतो जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया आज की सभा को अपने हाथों में उसकी बागडोर को ले। क्रांतिकारी साथी जयराम महतो जिंदाबाद, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, जयराम महतो मत घबराना, जयराम महतो मत घबराना। मैं उनका बार बार आग्रह रहा है कि मैं तब तक माइक नहीं लूंगा जब तक ये सभी लोग बैठ नहीं जाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि कृपया बैठ जाइए, अनुशासन का परिचय दीजिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने जब ये के एस एस का झंडा लहरा रहा है, आग्रह होगा इसकी खूबसूरती देखिए आप। उनका आग्रह है कि आप सभी बैठेंगे तब माइक संभालेंगे। आप सभी बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। मैं चाहूंगा तब तक दो शब्द हमारे साथी संजय मेहता जी चंद शब्दों में अपनी वाणी को हमारे बीच रखेंगे और आप सभी लोग बैठ जाएंगे अपने जगह पर। आप सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाएंगे, सभी से आग्रह है कि अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और मंच खाली कर दीजिए। मंच कमजोर है भैया, थोड़ा सा आग्रह होगा कि पास नीचे धंसना है, इसका ध्यान रखिए। आप लोग अपने स्थान नीचे ग्रहण कीजिए। तब तक मैं संजय मेहता जी से आग्रह करूंगा कि चंद शब्दों में हमारे बीच अपनी वाणी को रखेंगे। जोर से बोलिए, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। साथियों कसमा कुरह में ये जो आज जनसलाब यहाँ पर उमड़ा है, ये कसम खाने आई है कि झारखंड में परिवर्तन होकर रहेगा और इस डुमरी के इलाके से एक आवाज जाएगी कि जब झारखंड के इस तमाम इलाकों में जब कोई जीत का घुंघरू बजेगा तो इसी डुमरू से बजेगा। ये ऐलान हम यहाँ से करना चाहते हैं और जिस भाई के नाम में जय और राम जुड़ा हुआ है वहाँ पर सिर्फ विजय मिलती है, पराजय की कोई बात नहीं होती है। इसलिए इस बात को समझिए कि यहाँ पर अगर आज हम लोग यह संकल्प लेने वाले हैं
और 16 तारीख को भी हजारीबाग के गांधी मैदान में हम लोगों ने बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से यह ऐलान करके पूरे झारखंड को दिखा दिया कि महाधिवेशन के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ है। चाहे पानी पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे आसमान पर सभा करना पड़े, चाहे पर्वत की सीमाओं पर करना पड़े, ये जेबी केसेस का जो हौसला है वो कम नहीं होने वाला है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, ये जो झारखंड के कोने कोने से आवाज निकली है और झारखंडियों को हक देने की जो आवाज निकली है वो झारखंड के 32,623 गांवों तक गई है, और ये आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक जीत का झंडा हम पारसनाथ की पहाड़ी पर लहरा नहीं देते। ये हम कहना चाहते हैं, और हम लोग ये कहते हैं बार बार कि पारसनाथ की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा, और इसी पारसनाथ की धरती से, तो चाची की धरती से, मानतांड की धरती से, झारखंड की धरती में एक हीरा निकला है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि इस हीरे को संवारना होगा और सजाना होगा, क्योंकि यहाँ की धरती में हमारे पास काला हीरा भी है, हमारे पास बॉक्साइट भी है, हमारे पास यूरेनियम भी है, और भी जितने प्राकृतिक संसाधन के हीरे हैं उसे बाहर के लोग लूट रहे हैं। इसलिए मान टाड़ के इस हीरे को सब लोगों को सजाना और संवारना है और बचाना है, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। साथियों एक बात और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि ये झारखंड के लोग झारखंडी के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अपना हक मांगना नफरत नहीं होता। अगर अपने हक मांगने के लिए अगर किसी से लड़ना पड़ेगा और जहां पर भी जिस मोर्चे पर जिस तरीके से जिससे भी टकराना पड़ेगा, ये नौजवान पीढ़ी टकराने को तैयार है, ये नौजवान पीढ़ी रुकने वाली नहीं है। और साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में क्षेत्रवाद की बात आती है तो आप देखिए, अगर पंजाब पंजाबियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो ये झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है मेरे साथियों। ये झारखंड पर यहाँ पर अतिक्रमण नहीं चलेगा। और झारखंड की जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी में हम लोग प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, इसे स्पष्ट नियोजन नीति और स्थानीय नीति से ही पूरा किया जा सकता है। और जब तक यहाँ की राजनीतिक सत्ता यहाँ के कानूनों पर नहीं बनाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। झारखंड में चार बहुत बड़े मसले हैं जिस पर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। झारखंड की स्थानीय नीति, झारखंड की नियोजन नीति, झारखंड की पुनर्वास नीति, और झारखंड में जो ओबीसी का आरक्षण है वो 27% नहीं है साथियों। और हम लोग मोर देन जो यहाँ पर जमा हुए हैं, आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, लेकिन इस बात पर आपको गौर करना होगा कि झारखंड में तभी कल्याण होगा जब यहाँ पर आदिवासियों को हक मिले, जब यहाँ के आदिवासियों की जमीनों को लूटना बंद किया जाए, यहाँ के मूलवासियों के जमीनों को लूटना बंद किया जाए। और 1908 में CNT का कानून बना, उसके बावजूद भी हमारे जमीनें लूट रही है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि अगर 1908 का कानून अभी के तारीख में चल सकता है, CNT का कानून, तो 1932 का खतियान भी आपको लागू करना होगा। ये ऐलान यहाँ के कस्बा खुरा के मैदान से करना चाहते हैं। और मोती भाई ने बताया कि कैसे 1908 का, 1932 का, 1964 का जिला आधारित अंतिम सर्वे से यहाँ की स्थानीयता परिभाषित हो सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खाली करिए गद्दी, यहाँ पर नौजवान तैयार है सत्ता संभालने के लिए। हम लोग यहाँ पर कस्बा कुरहा डुमरी में और झारखंड के तमाम इलाकों में जो ये जनसैलाब और भीड़ उमड़ रहा है वो यूं ही नहीं उमड़ रही है। और ये मत सोचिए कि हमारे साथी पढ़े लिखे नहीं है, हमारे नेता PhD है, हमारे भाई मास्टर है, हमारे मनोज भाई PhD कर रहे हैं, हमारे और साथी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। कलम की ताकत हमारे जितने कल हाथों में है उतना ही ताकत हमारे हौसले और छाती में इस भारतीय धरती को बदलने की है, ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। साथियों अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि झारखंड में 23 सालों के बाद पहली ऐसी कोई क्रांति हुई है, पहला ऐसा कोई उलगुलान और आंदोलन हुआ है जो झारखंड के सभी इलाकों में पहुंचा है, चाहे वो संथाल की बात हो, चाहे पलामू की बात हो, चाहे कोल्हान की बात हो,
चाहे उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल की बात हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल की बात हो, जो लोग हमें कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ धनबाद और डुमरी में ये भीड़ है, लेकिन उनको ये बताना चाहते हैं कि जो हजारीबाग के उत्तरी छोटा नागपुर के परमंडल के मुख्यालय में जो भीड़ उमड़ी वो भीड़ कहाँ की थी। और लोग ये कहते हैं कि ये जातियों का एक तरीके से आंदोलन है, लेकिन मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरा नाम संजय मेहता है और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर मिला है। तो ये संजय मेहता कैसे आया, ये मनोज यादव कैसे आए, ये सभी का सामाजिक समीकरण यहाँ मिला हुआ है। जो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं वही आरोप लगाते हैं। और यही तो बात है कि यहाँ का प्रशासनिक अमला कर गया, रात में यहाँ के SDM एक ऑर्डर निकालते हैं कि कार्यक्रम नहीं करने देंगे, कागज में नोटिस निकालने से कुछ नहीं होगा। ये हौसला आसमान पर निकल चुका है, हम लोग रुकने वाले नहीं है। और अनुमंडल पदाधिकारी के एक आदेश से यहाँ पर कार्यक्रम नहीं रुकेगा। व्हाट्सएप में एक मैसेज घूमेगा तो 50,000 की भीड़ आ जाएगी। बड़े बड़े राजनीतिक प्रबंधन, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े सियासी जो यहाँ के नेता हैं वो घबरा रहे हैं, कह रहे भाई ऐसा क्या जादू है कि एक बात में इतनी भीड़ उमड़ रही है। बात जादू की नहीं है, बात हक की है। झारखंडी जाग चुके हैं, अब अपना हक लेकर के ही घर जाएंगे। अब चाहे पारसनाथ से करना पड़े, चाहे रांची के विधानसभा से करना पड़े, अब घर जाएंगे तो हक लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं लौटने वाले हैं, यह ऐलान करना चाहते हैं। और अंत में एक बात और कह रहा हूं कि एक नए क्रांति और नए इंकलाब का ऐलान है, इस इंकलाब की आवाज को नहीं रुकने दीजिएगा। और विनोद बाबू ने नारा दिया था कि पढ़ो और लड़ो, पढ़ते भी रहना है और लड़ते भी रहना है, लड़ने का ये हौसला कम नहीं होना चाहिए, लड़ने का ये जज्बा जारी रहना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में अगर आप लोग अपने जमीन से प्यार करते हैं, अपने जमीन से मोहब्बत है, अपने पहाड़ से मोहब्बत है, अपने घर गांव के लोगों से मोहब्बत है, और जो मेरी माँ बहन आई है आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर अपन छुआ पोता बच्चा से अगर प्यार हो, और देखिए माँ गोदी में बच्चे को धूप में लेकर के खड़ी है, इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को लड़ना है कि आज से 10 साल बाद जब वो कोई फॉर्म भरे तो नौकरी में उसको प्राथमिकता मिले। और उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आकर के जिस तरीके से हमारे नौकरियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये नौकरियों पर अतिक्रमण रुके, इसके लिए ये लड़ाई है। भाई चाची साहब बुझो रहने काचिक लड़ा है से लड़ा जाना, चाची साहब, दादी साहब, नानी साहब, जान वाला नहीं। झारखंड में बाहर के लोग आके कब्जा कर रहे थी, नौकरी के हम इनके हथियार ले रहे थी। झारखंड में झारखंडी के है ये पते में चल रहा है, हम इन अपन नूनू के नाम रखो, ये ना सूरज मधु कुछ भी, उसी तरीके से झारखंड में के झारखंडी है। एक सरकार परिभाषा नहीं तय कर रहा है, एक कारण ही पता नहीं हो पा रहा है कि झारखंडी कौन है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की धरती पर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल इंटेलेक्ट दिखाने की जरूरत है। और ये पॉलिटिकल इंटेलेक्ट, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं, ये इसी धरती से होगी। इसी धरती से यहाँ पर सूरज निकलेगा, इसी धरती से विनोद बिहारी निकलेगा, इसी धरती से सिद्धू कानू निकलेगा, इसी धरती से बिरसा मुंडा निकलेगा, इसी धरती से नीलांबर पिताम्बर निकलेगा। क्या संकल्प ले रहे हैं आप सब? बदलाव को तैयार है? 24 में बदलेंगे। संकल्प लीजिए दोनों हाथों से और जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। अपने हीरे को एक गद्दी पर बैठाना है, ये इसका संकल्प है। और हीरे को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है, उसके चेहरे की चमक को बरकरार रखना है। और इस चमक को बरकरार रखने के लिए आपको फिर से बोलना होगा जय झारखंड, जय झारखंड। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।